नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशंस जो आज के टाइम कार कंपनीज यूज करती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैनुअल ट्रांसमिशन की। इसके अंदर आपको एक गियर लीवर मिलता है और साथ में ब्रेक के लेफ्ट साइड में एक क्लच भी होता है जिसको दबा के आपको गियर शिफ्ट करने होते हैं। सबसे खास बात इस ट्रांसमिशन की यही है कि पूरा कंट्रोल कार का आपके हाथ में होता है। जब आप चाहे तब आप कार का गियर चेंज कर सकते हैं। ये फन टू ड्राइव होता है और इसका लाइट वेट होता है और इसका कॉस्ट भी बहुत कम है। इससे आपको फ्यूल एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी मिलती है। इसका बस एक ही डाउनसाइड है कि आपको ट्रैफिक में चलाने में बहुत प्रॉब्लम होगी। बार बार क्लच दबा के गियर चेंज करने में बहुत दिक्कत आती है, स्पेशली दिल्ली जैसे स्टेट के अंदर बहुत टफ होता है। नेक्स्ट है AMT ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन। मारुति सुजुकी इसे AGS भी बोलती है, ऑटो गियर शिफ्ट। जैसे हमारी बॉडी के अंदर ब्रेन होता है, सारा कंट्रोल वही करता है, वैसे ही इन कार्स के अंदर एक ब्रेन लगा दिया जाता है जो अपने आप स्पीड को एनालाइज करके गियर चेंज कर देता है। इसके पॉजिटिव पॉइंट्स ये है कि ये बहुत फ्यूल एफिशिएंट होता है अदर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के मुकाबले, और इसके अंदर एक मैनुअल मोड भी अवेलेबल होता है जिसके थ्रू सारा कंट्रोल ड्राइवर के हाथ में आ जाता है। वो जब चाहे जैसे चाहे गियर प्लस एंड माइनस कर सकता है। इजी टू ड्राइव है, अफोर्डेबल होता है, लाइट वेट है इसका जिसकी वजह से फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी आती है, और हम इसे सेमी ऑटोमेटिक सिस्टम के नाम से भी बोल सकते हैं। इसका प्राइस बहुत कम है, इसीलिए ये एंट्री लेवल कार्स के अंदर यूज किया जाता है, जैसे कि मारुति सुजुकी सिलेरियो, ऑल्टो, K10। इसके नेगेटिव पॉइंट्स ये है कि ये जो सिस्टम है सारा, ये बहुत लैगी है। गियर शिफ्ट्स के बीच में बहुत लैग आता है, तो इसलिए ये कार बहुत जर्की लगती है। पावर आउटपुट इसका बहुत लो है। नेक्स्ट है CVT कंटिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन। आज के टाइम पे ये ट्रांसमिशन बहुत फेमस हो चुका है और ज्यादातर ये जापानीज कार्स में यूज किया जा रहा है। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर दो पुली होती हैं जो एक बेल्ट से अटैच्ड होती हैं, और जो बेल्ट होती है वो एक डिस्क पे होती है और वो डिस्क मूवेबल होती है, वो मूव करती है और उसकी वजह से गियर्स चेंज होते हैं। और इन कार्स के अंदर इनफाइनाइट गियर्स होते हैं जिसकी वजह से ये बहुत फ्यूल एफिशिएंट होते हैं। शिफ्ट्स इसमें बहुत स्मूथ होते हैं, जर्क फील नहीं होता, और कुछ केसेस में तो ऐसा है कि CVT जो है वो ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है मैनुअल के मुकाबले। जैसे कि आप होंडा सिटी पेट्रोल में CVT में ज़्यादा एवरेज क्लेम करती है देन मैनुअल। ये एक्सपेंसिव है, इसकी ड्राइव बहुत कंफर्टेबल है, लाइट वेट होने की वजह से ये बहुत फ्यूल एफिशिएंट है, इजी टू ड्राइव है, और ये अभी होंडा सिटी में यूज़ होता है, टोयोटा करोला अल्टिस में यूज़ होता है, एंड मारुति सुजुकी बलिनो में भी यूज़ होता है, और बहुत सारी कार्स हैं। नेक्स्ट है DSG डायरेक्ट शिफ्ट गियरबॉक्स। इसे DCT भी कहा जाता है, ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन। बेसिकली ये एक रेगुलर मैनुअल ट्रांसमिशन पे बेस्ड होता है। इसके अंदर दो क्लच यूज होते हैं। जैसे ही पहला क्लच एंगेज होने के बाद वापस आने वाला होता है तभी नेक्स्ट क्लच एंगेज हो जाता है, और जो लैग आता है गियर शिफ्ट्स के बीच में वो इसमें बहुत कम हो जाता है जिसकी वजह से परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिलती है। इसमें पहला क्लच कंट्रोल करता है ऑड गियर्स 1, 3 एंड 5, और जो दूसरा क्लच है वो कंट्रोल करता है इवन गियर्स 2, 4, 6, जिसकी वजह से बेटर परफॉर्मेंस मिलती है और एक्सेलरेशन बहुत फास्ट होती है। इसकी माइलेज ट्रेडिशनल ऑटोमेटिक से अच्छी है, फ्रंट टू ड्राइव होती है, क्विक एक्सेलरेशन जिसको चाहिए होती है, जो ड्राइव मतलब फास्ट करते हैं, इनको पावर वाली कार्स चाहिए होती है तो उनके लिए बेसिकली ये बनी है। ये स्मूथ गियर शिफ्ट्स होते हैं इनके अंदर। ये स्कोडा रैपिड और वॉक्सवैगन वेंटो में यूज किया जाता है और बहुत सारी कार्स में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है टॉर्क कन्वर्टर। इसे ट्रेडिशनल ऑटोमेटिक सिस्टम भी कहा जाता है। ये बहुत पुराना सिस्टम है और आज के टाइम पे ये बहुत आउटडेटेड लगता है। इसके अंदर गियर शिफ्ट जो हैं वो हाइड्रोलिक सिस्टम के थ्रू किए जाते हैं। जो इसके गियर शिफ्ट्स हैं वो बहुत स्लो हैं और इसकी फ्यूल एफिशिएंसी भी बहुत कम है, और इसका हैवी वेट होने के कारण इसकी एफिशिएंसी कम है, हाई प्राइस है, इजी टू ड्राइव होती है कार, और
ये आज के टाइम पे फोर्ड इको स्पोर्ट में यूज किया जा रहा है। बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।